हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर दिनेश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। क्या संकेत हैं, किसमें ज़्यादा होने के चांस है, किन किन महिलाओं में शुरुआती दौर में पता चल जाता है, किन में पता नहीं चलता है। आइडियली अगर हम देखें तो इंडिया में महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। इसके क्या संकेत हैं, शुरुआती दौर में इसको पहचान कैसे सकते हैं और इसके बारे में ट्रीटमेंट कहाँ से करवा सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो हम आपके बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें ब्रेस्ट कैंसर के जो होता है वो ब्रेस्ट के अंदर होने वाले एक लिम्फ नोड की गांठ बन जाती है, उसको हमें चेक करना होता है बार बार। जैसे महीने में एक बार हमें ब्रेस्ट के चारों ओर हाथ लगा के चारों तरफ चेक किया कि उसमें कोई गांठ है या नहीं है। अगर गांठ है तो हमें उस टाइम थोड़ा सा एक्टिव होके डॉक्टर के पास जाके और उनका थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए। हर महीने ये मैचुरेशन साइकिल के बाद चेक करना होता है, कांच के सामने देखना होता है कि दोनों ब्रेस्ट नॉर्मल है या किसी एक दूसरे में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। लिम्फ नोड में क्या होता है, कई बार मवाद वगैरह भी पड़ जाती है, पस वगैरह भी हो जाता है, उसमें हमें देखना होता है। उसको हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना होता है। आपके ब्रेस्ट के चारों ओर अगर हम हाथ घुमा के देखेंगे, अगर उसमें गांठ जैसा फील होता है तो मोस्ट कॉमन चांस ये है कि वो कैंसर की भी गांठ हो सकती है और नॉर्मली भी गांठ हो सकती है। मैचुरेशन साइकिल जिसमें 12 साल या 12 साल से पहले आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन ये 10 साल से पहले अगर किसी में मैचुरेशन साइकिल शुरू हो जाते हैं उनमें भी चांस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। या फिर कोई फीमेल है जो लंबे समय से प्रेगनेंसी रोकने की पिल्स ले रही हो, या फिर जिसकी एक 40 ईयर से ज़्यादा हो गई, या फिर किसी फैमिली हिस्ट्री हो कि उनके मम्मी या फिर उनकी बहन को एक ब्रेस्ट कैंसर की कोई शिकायत थी, जो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है या प्रेगनेंसी हो ही नहीं पा रही है लंबे समय से पिल्स वगैरह खाने के चक्कर से, उनमें भी ये ज़्यादा चांस है। शुरुआती दौर में हम इसमें ये कर सकते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो 30 की उम्र से ज़्यादा वाली महिलाएं हैं उनको साल में एक या दो बार सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवा लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर महिला की उम्र 40 या उससे ज़्यादा हो गई है तो उसको मैमोग्राफी करवाना चाहिए। गांठ जैसा लग रहा है तो निडिल बायोप्सी होगी, उसमें पता लग जाता है कि भाई जो गांठ लेंगे वो थोड़ा टुकड़ा लेंगे गांठ का, उसमें देखेंगे कि भाई कैंसर की गांठ है या फिर नॉर्मली किसी गांठ है। ट्रीटमेंट में अगर फर्स्ट स्टेज वाला ट्रीटमेंट होता है तो उस टाइम ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और उनकी जगह आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा दिया जाता है ताकि महिला सुंदर दिखे, उनकी सुंदरता बरकरार रहे। कई बार क्या होता है कि कई बार सेकंड स्टेज में चला जाता है कैंसर तो उसमें आसपास की गांठ को भी निकालना पड़ता है, लिम्फ नोड टिश्यू सबको रिमूव कर दिया जाता है। और भी पार्ट होते हैं इनके ट्रीटमेंट के, जैसे कि रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, जो कि हर ट्रीटमेंट में नहीं दिया जाता है। अगर ट्रीटमेंट ज़्यादा बड़ा हो जाता है उस टाइम पे देखते हैं डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से कि इसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत हुई तो दोस्तों अगर रेडियो कीमो का एक वीडियो बाद में बना दिया जाएगा जो चैनल पे जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।